एक बार एक जंगल में तीन दोस्त रहते थे, एक कौआ, एक कछुआ और एक चूहा। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ थे। तीनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया था और उन्हें अलग करना नामुमकिन था। एक दिन वे तीन नदी तट के पास अपनी दैनिक चर्चा में व्यस्त थे, जब अचानक उन्होंने एक घबराए हुए हिरण को नदी की ओर आते देखा। तुरंत कौआ पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चूहा पास के छेद में घुस गया और कछुआ नदी में डूब गया। पेड़ के ऊपर से कौआ सब कुछ स्पष्ट देख सकता था और उसने अपने दोस्तों को बताया। अरे मित्रों, डरो नहीं, ये हिरण केवल प्यासा है और वह नदी द्वारा केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ भागा। कोई गड़बड़ नहीं है और सबसे जरूरी बात तो ये है कि किसी भी शिकारी के पद चिन्ह यहाँ नहीं है। कछुआ पानी से बाहर झांक रहा था। देखो वो कितना हाफ रहा है, ऐसा लगता है कोई उसके पीछे है। वो यहाँ सिर्फ पानी पीने नहीं आया है। कछुए ने फिर कौवे की ओर देखा और कहा, दोस्त तुम सबसे ऊंचे पेड़ पर जाओ और ये देखने की कोशिश करो कि यहाँ क्या चल रहा है। कौवा हिरण पर जांच करने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। हिरण जमीन पर लेटा था और बहुत ही हाफ रहा था। वो थका हुआ और हानि रहित लग रहा था, इसलिए कौवे ने अपने दोस्तों को बुलाया। अरे दोस्तों, अपने छिपने के स्थानों से बाहर आओ। यह हिरण ऐसा दिखता है जैसे वह एक हाथ का ही उपयोग कर पा रहा हो। आओ जाने के क्या हुआ। तीनों दोस्त हिरण के पास चले गए और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। जब हिरण थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा तो वे सभी बात करने लगे। कुछ समय बाद वो सभी अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों आपने सही अनुमान लगाया, मुझे खतरा है, एक शिकारी मेरे पीछे पड़ा है। इस बार उसने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन मैं किसी तरह भागने में सफल रहा। कृपया मेरी सहायता करो, मुझे बताओ कि मुझे इस भयानक शिकारी से बचने के लिए कहाँ छिपना चाहिए। यदि तुम खतरे में हो तो तुमको या तो लड़ना चाहिए या फिर भाग जाना चाहिए, यह एक बुद्धिमान विद्वान के शब्द हैं। अभी तो ये आराम करने का समय है क्योंकि तुमने भागने का फैसला कर लिया है। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हो सकता है कि शिकारी ने दूसरे जानवर को पकड़ लिया हो और क्या पता वो वापस जा रहा हो। चलो आज से हम चारों सबसे अच्छे दोस्त हैं। दिन बीतते गए और चारों दोस्त साथ में रहकर बहुत खुश थे। वो चारों एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक गुप्त स्थान था जहाँ वे हर दिन मिलते थे। एक दिन हिरन अपने दोस्तों से मिलने नहीं आया। बाकी तीनों घबराने लगे। मुझे लगता है वो खतरे में है। दोस्तों तुम जानते हो मैं तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता, चूहा दौड़ सकता है। मुझे लगता है वो ज्यादा आगे नहीं गया होगा। क्या तुम जाकर उसे देख सकते हो? हम सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। कौआ उड़ गया और फिर कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि हिरण शिकारी के जाल में फंसा पड़ा है। वो बहुत ही गंभीर स्थिति में था। कौआ अपने दोस्त हिरण के पास गया और उसने उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखे। मैं मौत के बर्फीले स्पर्श को महसूस कर सकता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए यहाँ आए हो। भाई तुम उम्मीद मत छोड़ो, अपना ध्यान रखो और सांस लेने की कोशिश करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। कौआ जल्दी से वापस चूहे के पास गया और उसे सब कुछ बताया। चूहा जल्दी से उस जगह पर गया जहाँ हिरन लेटा हुआ था और अपने नुकीले दांतों के सहारे उसने जाल को कुतर दिया।
एक बार फिर से उन्होंने अपने प्रिय दोस्त हिरण की जान बचाई। फिर जब वो सब वहाँ खड़े होकर एक साथ बातें कर रहे थे, कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ आया। अरे तुम यहाँ क्यों आए? अगर शिकारी यहाँ आता है तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? लेकिन इससे पहले कि कछुआ कोई जवाब दे पाता, शिकारी सामने आ गया। जल्दी से चूहा, हिरण और कौवा घने जंगल में भाग गए। बेचारा कछुआ भागने में बहुत धीमा था और जल्दी से अपने खोल के अंदर छिप गया। जब शिकारी ने खाली जाल देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत बेचारे कछुए को पकड़ लिया और फटे हुए जाल से उसे ढक दिया। कौवे ने एक पेड़ के ऊपर से ये सब देखा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि वे सब योजना के अनुसार उसे बचाएंगे। फिर हिरण और चूहा दोनों शिकारी के पीछे गए। योजना के अनुसार हिरण नदी के तट के पास लेट गया, जैसे वह मर गया हो। जब शिकारी ने हिरण को देखा तो उसने कछुए को जमीन पर रख दिया। जब शिकारी हिरण को पकड़ने वाला ही था, हिरण घने जंगल में भाग गया। जब वो वापस आया तो कौवे ने उसे अपनी नोकीली चोंच से डराया। इसी बीच चूहे ने तुरंत जाल को कुतर दिया। और कछुआ चुपचाप नदी में डूब गया और भाग निकला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे दोस्त तो गहने के समान होते हैं, और अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है। धन्यवाद।